हेलो एवरीवन, सुबह के 8:30 बजे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग टी और कियाना के लिए बन रहा है मिल्क। आजकल सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल क्लोज्ड हैं और मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज भी क्लोज्ड हैं, तो सुबह की जो भागम भाग होती है ब्रेकफास्ट बनाने की और लंच बॉक्सेस रेडी करने की, वो आजकल बिल्कुल भी नहीं है। सभी रिलैक्स होके आराम से थोड़ा लेट उठते हैं और मॉर्निंग के जो भी काम है वो भी सारे स्लो स्पीड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई है जिंजर टी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कोल्ड एंड कफ है कुछ दिन से। आजकल तो कोल्ड के नाम से भी डर लगता है। तो अभी हमारा चाय पानी हो गया है, अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। आज किसी को भी बिल्कुल भी भूख नहीं है और थोड़ा लेट भी उठे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारे लिए बनाना स्मूदी, और कियाना को स्मूदीज और शेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उसके लिए बनेगा ब्रेड टोस्ट विद चॉकलेट स्प्रेड। मैंने यहाँ बनाना काट के ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं और उसमें ऐड किए हैं सोफ्ट आलमंड्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी माई फेवरेट पीनट बटर, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है पीनट बटर। और इसमें मैंने डाला है यहाँ पे फ्लैक्सीड पाउडर, फ्लैक्सीड मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा था, और थोड़ा सा मिल्क। अब इसको ग्राइंड कर देंगे। तो रेडी हो गया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा और मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है 1 ग्लास के अराउंड, और इसको फिर से ग्राइंड कर लिया है। तो लीजिए, रेडी हो गया हमारा ब्रेकफास्ट आज के लिए। बहुत ही हेल्दी टेस्टी और फिलिंग ब्रेकफास्ट है, और मैं लंच थोड़ा जल्दी आज बनाने वाली हूँ। तो लीजिए, हमारा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया, अब बनाते हैं कियाना के लिए ब्रेड टोस्ट। अब बारी है कियाना के ब्रेकफास्ट की। मैंने यहाँ पे टोस्ट कर लिया है ब्रेड को तवे पे, और इस पे लगाएंगे हम चॉकलेट स्प्रेड। आई नो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन नहीं है, बट वंस इन अ वाइल चलता है बिकॉज इट्स अ लेजी डे। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है क्लीनिंग की, हाउस क्लीनिंग। मैं किचन से ही सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, तो किचन में जितनी बार भी खाना बनता है आपको पता है क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, एटलीस्ट 3 times a day तो यहाँ पे होती है क्लीनिंग, चाहे आप थोड़ा खाना बनाएं चाहे ज़्यादा बनाएं। तो किचन अब क्लीन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कियाना ने कितना मैस किया हुआ है, सारे रास्ते में अपने टॉयज फैला के रखे हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ घर की सफाई, और यहाँ पे कियाना खेल रही है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये अकेले ऐसे खेलती है खुद से, अदरवाइज इसको हम में से कोई साथ खेलने के लिए चाहिए होता है। तो घर की सफाई के बाद और नहाने धोने के बाद अब हो गया है लंच टाइम, तो चलते हैं किचन की तरफ लंच बनाने। यहाँ पे हमने कुछ ग्रॉसरी ले रखी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि यूजुअली हम जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं वो डी मार्ट से ही करते हैं फुल मंथ के लिए, बट दिस टाइम हमने अवॉइड किया वहाँ जाना कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहाँ बहुत रश रहता है, तो हम मंथ स्टार्टिंग में नहीं गए थे ग्रॉसरी लेने। तो अभी हम नियर बाय सुपरमार्केट से थोड़ा ग्रॉसरी लेके आए हैं, आई थिंक 1 मंथ के लिए सफिशेंट है।
अभी हमने 1 month के लिए जो भी हम नॉर्मल शॉपिंग करते हैं 1 month के लिए उतना ही किया है, पर कुछ लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए, जिसकी आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट कांट से एनीथिंग दिस टाइम। और कुछ एक चीज़ें हमने इस टाइम थोड़ी डिफरेंट मिली है हमें, जैसे राइस, वैसे भी हम इंडिया गेट के ही लाते हैं बट जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है इस टाइम, हम ग्रे वाला पैकेट लेके आते हैं। तो अभी मैं इनको उठा के थोड़ा साइड में रखती हूँ, बाद में इनको कंटेनर्स में डाल दूँगी। और करते हैं हम अपना लंच रेडी सबसे पहले। यहाँ पे मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं और अब मैं बना लूँगी सब्जी जल्दी से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े की सब्ज़ी। बड़े मैंने होली पे बनाए थे, भल्ले जिसको कहते हैं हम, तो उसका जो मिक्सचर बच गया था दाल का, ग्राइंड की हुई दाल, उससे मैंने गोल गोल बड़े फ्राई कर लिए थे। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, तो मैंने ये होली में करीब 10 दिन पहले बना के रखे थे, 10-12 दिन पहले, तो फ्रिज में इजीली स्टोर हो जाते हैं ये 2 वीक्स तक। यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ अनियन और हरी मिर्च मैंने ली है। और ये देखिए ये है बड़े जो मैंने फ्राई करके रखे थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं कभी भी मार्केट से रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके नहीं आती, घर पे ही जब खाना बनता है तभी फ्रेश पेस्ट बनाती हूँ। तो मैंने एक प्याज, एक हरी मिर्च और एक टमाटर काट लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी अब जीरा सीड्स और हींग, देन अनियंस और हरी मिर्च। इनको हमने थोड़ा फ्राई करना है एज यूजुअल जैसे तड़का लगता है। अब ये थोड़ा फ्राई होने लगा है तो इस स्टेज में मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सबको अब हम ब्राउन कर लेंगे थोड़ा। तो देखिए अनियन सब ब्राउन होने लगे तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इनको मिक्स करके भून लिया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें टमेटोस, और टमेटोस को भी पकाएंगे गलने तक। टमाटर अब गल चुके हैं और इसने साइड से तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसमें जो बड़े हैं उनको ऐड कर देंगे। बड़े मैंने थोड़े बड़े फ्राई किए हैं, इनको छोटे साइज में भी फ्राई कर सकते हैं, तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। जब तक ये थोड़े पकेंगे तब तक हम तैयार करते हैं इसके लिए कर्ड। इसमें मैं क्या कर्ड ऐड करने वाली हूँ, तो कर्ड में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन का ऐड किया है। यूजुअली हम इसमें बेसन ऐड नहीं करते, बट समटाइम्स बिना बेसन के जो दही है वो फट जाता है, तो मुझे उसका टेस्ट और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें बेसन ऐड किया है ताकि दही जो है वो फटे ना। तो दही ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो बड़े हैं वो अंदर से ड्राई रह जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि अंदर तक बड़े पानी एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पे इतना पानी मैंने ऐड कर लिया है। मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो थोड़ा लिक्विड इसको रखूँगी, और जितना ये पानी डाला है ये भी
सूख जाएगा क्योंकि बड़े पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला और मेरी फेवरेट कसूरी मेथी। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए 5 मिनट तक। पाँच मिनट हो चुके हैं, बड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तैयार करते हैं यहाँ पे सैलेड। कियाना को कैरेट्स और क्यूकम्बर बहुत पसंद है, तो एवरीडे हमारे घर में इन दो चीज़ का सैलेड बनता ही है। तो अब हमारा खाना रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए और यहाँ पे राइस भी रेडी है। ये वाले राइस मुझे थोड़े स्टिकी लग रहे हैं, आई थिंक पानी भी थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया है। ये है मसूर की दाल जो कल की बची हुई है। हम बचा हुआ खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, उसे नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लेते हैं जितना पॉसिबल हो सके। और यहाँ पे रेडी है हमारी गर्मा गर्म बड़े। इसको गार्निश करते हैं हरा धनिया से, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था। धनिया से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए रेडी हो गया है हमारा सिंपल सा लंच। तो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।